हेलो स्टूडेंट्स, भी एवरेज के बारे में यानी कि औसत के बारे में बात करते हैं। और औसत एक ऐसा चैप्टर है जिसका कहीं ना कहीं हर जगह यूज़ एग्ज़ाम्स में, हर क्वेश्चंस में मोस्टली रहता है और काफ़ी इम्पोर्टेंट टॉपिक है। और एसएससी तो इसके ऊपर हमेशा हर पेपर में दो क्वेश्चन देती देती है, दो नंबर का आता ही आता है। ठीक है, तो आज एवरेज के बारे में बात करते हैं। सबसे पहले मैं बता देना चाह रहा हूँ कि एवरेज यानी कि औसत होता क्या है। औसत यानी कि अगर मैं बात करूँ कि मेरी जो फाइव फिंगर्स हैं, ये मेरी फाइव फिंगर्स हैं, अगर मैं इसमें एवरेज की अगर बात करूँ, एवरेज यानी कि बीच वाली संख्या, एवरेज यानी कि एक बीच वाली संख्या। और देख पा रहे हो कि बीच वाली संख्या कौन सी, ये है ना। तो बीच वाली संख्या कौन सी, ये, दिस इज कॉल्ड एवरेज। यानी कि एक तरीके से इसको कहते हैं माध्य। क्या कहते हैं, माध्य, एवरेज। ठीक है, जैसे कि एक बार मैं बता देता हूं, जैसे कि एक दो तीन चार, इन संख्याओं का मेरे को एवरेज निकालना है। तो एवरेज कैसे निकाल लूंगा, अगर संख्याओं में सभी में अंतर समान हो, अगर संख्याओं में सभी में अंतर समान हो, तो पहली वाली और आखिरी वाली को जोड़कर दो से भाग कर देते हैं, तो जो हमारा आंसर ये औसत निकल जाता है, इसको कहते हैं भाई एवरेज। इसी तरीके से अगर मान लो दो दिया हुआ है, तीन पाँच सात नौ, अगर अंतर सेम नहीं है तो क्या करते हैं, सभी को जोड़कर जितनी वो संख्या है उतने से भाग कर देते हैं, तब हमारा एवरेज निकलता है। ठीक है, यानी कि अगर मैं कहूँ पाँच, तीन कोई संख्या है, इनका औसत कितना है चार, तो तीन संख्या है तो तीन से भाग करेंगे, है ना। तो एवरेज निकल कर आया चार, मान लिया मैंने अपनी तरफ से, तो इनका योग कितना हुआ, ए प्लस बी प्लस सी बराबर आ गया 12। ये बेसिक है, यानी कि ये चीज़ें आपको दिमाग में ध्यान रखनी है तुरंत, कि जब भी एवरेज की बात कर रखा और संख्याएं दे रखी होंगी, तो संख्याओं का नंबर और गुणा जो एवरेज दिया हुआ है उसमें अगर मल्टीप्लाई कर देते हैं तो संख्याओं का योग आ जाता है। जैसे मैंने भी बताया, मान लो कोई तीन संख्या ए बी सी है और इनका औसत है तीन, तीन संख्या ए बी सी, इनका औसत चार, सॉरी इनका औसत कितना चार। तो जब तीन संख्या है तो तीनों का औसत निकालने के लिए तीन से डिवाइड किया भाई, और एवरेज है हमारा चार। तो अगर मैं तीन की चार में गुणा कर दूंगा तो आप देख पा रहे होंगे कि तीनों का योग आ गया 12। ठीक है, अब आगे आगे जैसे जैसे क्वेश्चंस आते रहेंगे, क्वेश्चंस में बताते चलेंगे आपको। ठीक है भाई, चलिए आगे क्वेश्चंस पे चलते हैं। क्वेश्चन कह रहा है कि राम और उसके दो बच्चे, समझ पा रहे हैं, एक राम है और उसके दो बच्चे हैं, तो कितने कैंडिडेट हो गए, तीन हो गए। उनकी जो औसत आयु है वो 17 है। अगर मैं राम और उनके दो बच्चों की औसत आयु 17 है, तीन की मल्टीप्लाई करते तो तीनों की आयु का योग कितना आ गया, 51 आ गया। जबकि राम की पत्नी और उन्हीं बच्चों का औसत, राम की पत्नी, अब यहाँ पे राम की वाइफ आ गई, यानी कि यहाँ पर जो था राम प्लस उसके जो दो चिल्ड्रंस थे उनका जो योग आया 51 आया। अभी उसकी राम की वाइफ है और वो ही दो बच्चे हैं और इनकी औसत आयु कितनी है, 16 ही है, 16 है। तो यानी कि एक पत्नी एक और दो बच्चे तीन, यानी कि तीन की औसत आयु 16 है, तो योग कितना हुआ, 16 दिया 48। ठीक है, अब वो कह रहे हैं यदि राम की आयु 33 वर्ष हो तो उसके बच्चों, उसकी पत्नी की आयु हमें बतानी है। अगर मैं देखूं इसमें से, अगर मैं इसको घटा दूं, ये देखिए बच्चे कट गए, राम और उसकी वाइफ बराबर 51 में से 48 गए तो कितना आया भाई, तीन आया। और राम की एज कितनी, 33, उसकी वाइफ की एज हमें निकालनी, तो वाइफ कितने साल की, 30 साल की उसकी वाइफ आ गई। तो हमेशा ध्यान रखना कि जो भी हमें संख्या दे रखी होंगी औसत में उसकी मल्टीप्लाई कर देने पर उनका योग आ जाता है। ठीक है, चलिए जरा आगे चलते हैं। तीन संख्याओं का औसत 77 है, तीन संख्याएं दे रखी हैं, तीन संख्या हमें नहीं पता कौन सी, हम अपनी तरफ से मान लेते हैं ए प्लस बी प्लस सी,
इनका योग दे रख, औसत दे रखा है 77। जब औसत दे रखा है तो औसत में संख्याओं की गुणा कर देते हैं, तो 77 गुणा 3 कितना आ गया, 3 सत्ते 21, 2 3 सत्ते 21 और 2 231। ये तीन संख्या हमारे पास आ गई। लेकिन आगे कंडीशन क्या कह रहा है कि पहली संख्या दूसरी की दुगनी, पहली संख्या दूसरी की दुगनी है और दूसरी तीसरी की दुगनी है, यानी कि दोनों संख्याएं, पहली तो दूसरे पर डिपेंड है, दूसरी किस पर डिपेंड है, तीसरे पर, यानी कि तीसरे से हमें काम स्टार्ट करना है। अगर मैं तीसरे को भाई एक्स मान लूं, तीसरे को एक्स मान लूं, और वो कह रहा है कि जो दूसरी संख्या है तीसरी की दुगनी है, तो बी कितना आ गया, 2x हो गया। और पहली संख्या दूसरी की दुगनी, और जो पहली संख्या ए है वो दूसरी की दुगनी है, दूसरे का दुगना कितना, 4x, ठीक है। और ये आ गया हमारा 231। जब हम इसको सॉल्व करेंगे, 7x = 231, तो 7 21 और 7 21 एक्स बराबर आ गया हमारा 33। वो क्या पूछ रहे हैं, पहली संख्या पूछ रहे हैं, पहली संख्या क्या, 4x, यानी कि 33 × 4 कितना आ गया, 132। यही हमारा आंसर है भाई, समझ पा रहे हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं भाई। ए बी और सी का औसत वेतन 45 किलोग्राम है। तीन संख्या, तीन है बंदे ए बी सी, और इनका जो औसत वजन है कितना है भाई, 45 किलोग्राम। अगर मैंने अभी बताया कि अगर ए प्लस बी प्लस सी निकालना है तो 45 की 3 में गुणा कर देंगे, तो 3 5 15, 3 4 12 13 कितना आ गया, ये 135 आ गया। वो कह रहे हैं कि ए और बी का जो औसत है वो कितना है, 40। ए और बी का औसत 40, यानी कि दोनों का योग हो गया 80, और बी और सी का जो औसत है वो 46 43 है, तो 43 दूनी कितना हो गया, 86। अब वो पूछ रहे हैं कि बी का वजन बताओ, बी का वजन कितना होगा। अब आप देख पा रहे होंगे कि ए प्लस बी प्लस सी तो 135 आ गया, ए प्लस बी 80 आया और बी प्लस सी आया 86। अगर मैं इन दोनों इक्वेशंस को जोड़ दूं, तो आप देख पा रहे होंगे ए प्लस बी और बी 2b + c बराबर आ गया भाई हमारा कितना, 6 और 8 और 8 16, 166 आ गया। बी की वैल्यू में निकालनी है, अगर मैं ए प्लस बी प्लस सी में से इसको अगर घटा दूं, इसमें से अगर ए प्लस बी प्लस सी घटा दूं, तो आप देख पा रहे होंगे इस ए से ए कट जाएगा, इस सी से ये सी कट जाएगा, है ना। ए प्लस 2b + c में से मैंने ए प्लस बी प्लस सी घटाया भाई, तो यानी कि 166 - 135, 1 आया, 31 आया। और जब इसमें से करेंगे तो ये जब ब्रैकेट जब हटेगा हमारा, जब ये हमारा ब्रैकेट हटा भाई, तो ये साइन चेंज हो गए, जब साइन चेंज हो गए तो ये माइनस ये भी माइनस, तो इसे ऐसे ये कट गया, इस सी से ये सी कट गया, 2b में से b गए तो कितना बचा, b, तो b बराबर आ गया हमारा 31 आंसर आ गया भाई, ठीक है, समझ पा रहे हैं बात को। चलिए आगे चलते हैं। आगे क्वेश्चन कह रहे हैं कि 50 छात्रों की एक कक्षा में औसत अंक 72 हैं। पूरी क्लास के जो औसत अंक हैं, इसको हम एलिगेशन मेथड से करेंगे भाई, एलिगेशन मेथड से काफी क्वेश्चन हम कर पाएंगे, एलिगेशन मेथड बहुत ही इजी मेथड है, इसको एक बार समझना है। एलिगेशन यानी कि क्या होता है, एलिगेशन यानी कि मिक्सचर, यानी कि कोई भी दो चीजें ली और दो चीजों को मिलाकर हमने एक नई चीज बना दी, वो होता है एलिगेशन। और क्लास की बात कर रहे हैं तो क्लास में दो कैंडिडेट होंगे, या तो एक गर्ल्स होगा या एक बॉयज होगा, और गर्ल्स और बॉयज को दोनों को मिलाकर एक क्लास बनी, और पूरी क्लास का जो औसत है बच्चों को दे रखा है 72। कितना दिया हुआ है, 72 दिया हुआ है, और उस विषय में लड़कों और लड़कियों के औसत अंक भाई बॉयज दे रखे हैं और दिया हुआ है भाई गर्ल्स, बॉयज दिया हुआ है और गर्ल्स दिया हुआ है, और जो बॉयज के जो औसत अंक है भाई वो 70 हैं, और गर्ल्स के जो औसत अंक है वो 75 हैं, ठीक है, समझ पा रहे हैं। बॉयज और गर्ल्स से मिलकर क्लास बनी और पूरी क्लास का औसत दे रखा है अंक 72।
और बॉयज का दे रखा है 70 और गर्ल्स का दे रखा है 75। एलिगेशन मेथड में क्या करते हैं, क्रॉस सब्सट्रैक्शंस करते हैं। तो 75 में से दो गए भैया आया 3, और 72 में से 70 गए भैया आया 2। रेशो बना 3:2 का, और 3 और 2 कितने भाई, 5। और क्लास में कुल कितने बच्चे थे, 50 बच्चे थे। 50 बच्चे थे और कितना मल्टीपल है ये इसका, 10 मल्टीपल है। जब ये 10 मल्टीपल तो ये भी 10 मल्टीपल, ये 30 हो गया, और ये भी 10 मल्टीपल तो कितना हो गया, ये 20 हो गया भाई। तो बॉयज 30 और गर्ल्स कितनी, 20। और क्या पूछ रहे हैं वो, कक्षा में लड़कों की संख्या पूछी जा रही है भाई, कितनी, 30। क्लियर है भाई, चलिए आगे चलते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन। 8 क्रमिक संख्याओं का औसत 6.5 है। अब आप देख पा रहे होंगे कि 8 क्रमिक संख्याएं हैं, यानी कि क्रम से आ रही हैं, तो सभी में एक एक अंतर होगा, समान अंतर होंगे तभी क्रम से आ रही है, समझ पा रहे। जब 8 क्रमिक संख्याओं का औसत 6.5 है, 8 क्रमिक संख्याओं का औसत 6.5 है, उनमें सबसे छोटी तथा सबसे बड़ी संख्या का औसत क्या होगा, ठीक है। अगर मैं क्या करूं, मैंने देखा 6.5 आ रहा है, ये 8 संख्याओं का औसत है, 8 संख्याओं का औसत। अब आप देख पा रहे हैं, जैसे मैंने 5 उंगली के बारे में बताया था, अगर 5 उंगली का औसत मैं बताऊं, तो 1, 2 और 2 इधर, 2 इधर, 2 इधर, तो बीच में 1 उंगली आ रही थी, यानी कि वो एवरेज निकल पा रहा था, लेकिन अब 8 है। अगर मैं 8 के एवरेज की बात करूं तो क्या होगा भाई, 4 इधर होंगी, 4 इधर होंगी, तो बीच में तो कुछ नहीं था, बीच में आई कितनी, 6.5 आया बीच में, है ना। तो इसी हिसाब से मैं अगर एक नंबर लेके चलता हूँ, ऐसे इससे पहले 6 रहा हो, ये 7 रहा हो, ये रहा हो आपका 5, ये रहा हो 8, ये रहा हो 4, ये रहा हो 9, और ये रहा हो 3, और ये रहा हो आपका 10। तो ये हमारी 8 संख्याएं होगी, और इनका जो औसत है वो कितना है, 6.5 है। देख लीजिए, मैंने अभी स्टार्टिंग में एक चीज और बता दी, अगर सभी में जो क्रम है, सभी क्रम से आ रही है, तो पहली वाली और लास्ट वाली को अगर जोड़ देता हूं और उसे अगर 2 से डिवाइड करता हूं, तो तब हमारा औसत आ जाता है। और ये देखिए औसत आ रहा है, ये 3 थी हमारी पहली, ये लास्ट, ये सबसे छोटी है और ये सबसे बड़ी है। क्या पूछ रहे हैं, उनमें से सबसे छोटी और सबसे बड़ी संख्या का औसत क्या होगा, 6.5 ही होगा, ठीक है, ये निकाला हमने, समझ पा रहे हैं भाई, ठीक है, चलिए आगे चलते हैं। या एक चीज और देख लीजिए, 8 संख्याओं का औसत दे रखा है 6.5, अगर मैं इसकी मल्टीप्लाई कर देता हूँ, 8 5 40, ये 4, 8 6 48, और 4 कितना हो गया, 52, है ना। 8 5 40 की 0 4, 8 6 48 और 4 52, अगर मैं इन सभी संख्याओं को जोड़ूं तब भी हमारा यही बैठ पा रहा है, ठीक है भाई, चलिए आगे चलते हैं। 4 क्रमागत सम संख्याएं दे रखी हैं भाई, 4 क्रमागत सम संख्याओं का औसत दिया हुआ है, और सभी सम संख्याओं में 2-2 का अंतर, और इसी तरीके से विषम संख्याओं में भी 2-2 का अंतर, और कह रहे कि 4 क्रमागत सम संख्याओं का औसत 15 है, और 15 सम संख्या नहीं है। तो अब देखिए जरा, 15 क्या है, औसत है, यानी कि बीच की संख्या, और 15 से पहले क्या रही होगी सम संख्या, 14, 15 के बाद कितनी, 16, 14 से पहले 12, और उसके बाद कितनी, 18। हमारे पास 4 क्रमागत सम संख्याएं आ चुकी हैं, तो उनमें दूसरे नंबर की सबसे बड़ी संख्या, दूसरे नंबर की सबसे बड़ी संख्या क्या, 16, और यही पूछ रहे हैं वो, ठीक है, चलिए आगे चलते हैं। 7 लगातार आने वाले धन पूर्णांकों का औसत 26 है, औसत दे दिया 26, यानी कि बीच की संख्या में पता लग गई, 7 संख्याओं में बीच की एक संख्या कितनी है, 26 है भाई, ये 26 आ गई, और 7 है टोटल लगातार ही है। तो देखिए इससे पहले क्या रहेगी, 25, इससे बाद में 7, इससे पहले 24, इसके बाद में 28, 7 की बात कर रहे हैं, अभी 5 हुई है, ये 23 हो गया, और ये कितना हो गया, 29,
एक दो तीन चार पाँच छः सात, ये सात हमारी संख्या आ गई जो लगातार आ रही है, इनका औसत दे रखा था हमारे पास ये, तो इन पूर्णांकों में सबसे छोटा पूर्णांक क्या, 23, ये हमारा आंसर आ गया भाई। चलिए अगला क्वेश्चन, सेम वही क्वेश्चन, चार लगातार आने वाली सम संख्याओं का औसत 27, अगर ये 27 आ रहा है, ये औसत दिया हुआ है, तो इससे पहले क्या रही 26, इसके बाद में रही 28, इससे पहले रही 24, ये आ गया 30, सबसे बड़ी संख्या क्या, 30 भाई। ठीक है चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, M से आरंभ होने वाले पांच क्रमिक पूर्णांकों का औसत N है, M से आरंभ होने वाले पांच क्रमिक पूर्णांक हैं, और हमें नहीं पता कौन से है, मैं अपनी तरफ से मान लेता हूं, क्या एक है, दो है, तीन है, चार है, और ये पांच है भाई, और M से शुरू हो रहा था, M बराबर कितना, एक, और पांच है ये रे पांच क्रमिक पूर्णांक, इनका औसत n है, अगर मैं इनका औसत निकालूं तो इनका औसत कितना, तीन, और n बराबर कितना, तीन आ गया, समझ पा रहे हैं इतनी बात। ठीक है अब वो कह रहा है कि m प्लस टू से आरंभ होने वाले छह क्रमिक पूर्णांकों का औसत क्या होगा, m प्लस टू, m प्लस टू यानी कि अगर मैं m प्लस टू करूं तो कितना आ गया, एक प्लस दो कितना आया भाई, तीन, और तीन से शुरू होना है क्रमिक छह लेने हमें आगे के, कितना आ गया, तीन हो गया, चार हो गया, पांच हो गया, छह हो गया, सात हो गया, और एक ये आठ हो गया, एक दो तीन चार पांच छह, ये हो गए छह क्रमिक पूर्णांकों के, इनका औसत पूछ रहे हैं भाई। अब इनका औसत मैं कैसे निकालूंगा, आठ और तीन कितना, 11/2, यही तो होगा 11/2, और ऑप्शंस में देख लो कि 11/2 कहाँ है, देखिए जरा, अगर मैं पहले वाले में एन की वैल्यू रखता हूं, देखिए जरा, 2 × 3 + 5/2, 3 × 6 = 5, 11/2 यही आ रहा है, और यही हमारा आंसर है, समझ पा रहे हैं, यही हमारा आंसर है। तो समझ पा रहे हैं कितने आसानी से हम एवरेज कर सकते हैं, इंपॉर्टेंट चैप्टर है, बहुत ही इंपॉर्टेंट चैप्टर है, SSC हो, कैट लेवल का एग्जाम हो, या बैंक लेवल का एग्जाम हो आपका, या सीडीएस लेवल के मैं बात करूं, बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक है ये, और एग्जाम्स में एवरेज यानी कि हमें अगर मार्क्स अच्छे लाने हैं तो उसको एवरेज को अगर हम अच्छी तरह कर पाएंगे तो हम अपना स्कोर्स भी काफी अच्छा कर पा सकते हैं। चलिए जरा अगला क्वेश्चन देखते हैं, ABCD चार लगातार विषम पूर्ण संख्याओं का औसत, विषम है और पूर्ण है, डॉट वगैरह इनकी पॉइंट नहीं है, कंप्लीट है, इनका औसत दे रखा है 42, और 42 हमारी क्या है, सम संख्या है, अब जब सम संख्या है ये दे रखा है हमें एवरेज औसत, इससे पहले क्या रहा होगा भाई 41, इसके बाद रहा होगा 43, ये रहा होगा 39, और ये आया 45, तो ये आया ए, ये आया बी, ये आया सी, और ये आया डी, क्या पूछ रहे हैं, बी और डी का गुणनखंड, गुणनफल यानी कि 41 × 45, और 5 × 5 1845 हमारा ये आंसर आ गया भाई। ठीक है समझ पा रहे हैं कितनी आसानी से हम क्वेश्चंस कर पा रहे हैं, सिर्फ समझना है, बेस समझना कि एवरेज है क्या, और जब ये समझ पाएंगे तो आप क्वेश्चंस को आसानी से, कैसा भी क्वेश्चन आए उसको आप आसानी से कर पाएंगे। चलिए अगले क्वेश्चन पे चलते हैं, पांच क्रमागत धन पूर्णांकों का औसत n दिया हुआ है, और पांच क्रमागत जो धन पूर्णांक है मुझे नहीं पता कौन से हैं, तो मैं अपनी तरफ से मान लेता हूँ, क्रमागत मान लो कोई भी संख्या, मैं इजिली इजेस्ट मानता हूँ कि जो सबसे इजी मेरे को पड़ रही है मैं वो ले पा रहा हूँ, एक दो तीन और ये चार और ये पांच, और इनका औसत दिया हुआ है एन, जो कि है एन बराबर तीन, कैसे निकला भाई, सभी में एक एक का अंतर क्रमागत आ रही है, 1 + 5/2 आया, 6/2 इसे सोल्व किया तो हमारा आया 3, ये हमारा औसत आया। कह रहा है कि यदि अगली दो पूर्णांक भी शामिल कर ली जाए, यानी कि एक दो तीन चार पांच तो ये है ही, अगली दो और कह रहा है यानी कि 6 और 7 और ले ली, तो इन सभी पूर्णांकों का औसत क्या होगा, अब देखिए जरा क्या होगा,
इसका औसत निकालते, 1 + 7/2 किया तो 8/2 आया, तो हमारा कितना आ गया भाई, 4 आ गया, यानी कि ये हमारा एवरेज आ गया। और पहले से कितना बढ़ गया, ये पहले 3 था, अब कितना है भाई, 4 है, तो कितना इंक्रीज हो रहा है, 1 बढ़ रहा है ना। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं भाई। कह रहे हैं कि दी हुई 7 संख्याओं में से पहली 4 संख्याओं का औसत 4 है तथा अंतिम 4 का औसत 4 है, और सभी 7 संख्याओं का औसत 3 है, तो चौथी संख्या क्या होगी। अब देखिए, अगर कोई 4 संख्याएं हैं, ए प्लस बी प्लस सी प्लस डी प्लस ई प्लस एफ प्लस जी, 4 ये और 3 ये और 4 ये, पहली 4 का औसत यानी कि ए बी सी डी तक का औसत जो है 4 है, यानी कि 4 की 4 में गुणा करिए आ गया 16, और अंतिम 4 यानी कि अंतिम 4 है ये, जिसमें डी जो है पहले वालों के साथ भी आ रहा है और लास्ट वालों के साथ भी आ रहा है, यानी कि डी का 2 बार रिपीटेशन हो रहा है, समझ पा रहे हैं, और अंतिम 4 का औसत भी 4 ही है, यानी कि ये 16 हो गया, और 16 और 16 कितना हो गया, 32, और इसमें जो डी है वो 2 बार है, डी कितनी बार है, 2 बार डी है। अब वो कह रहा है कि और सभी 7 का, जितनी भी 7 है सभी 7 का औसत है 21, और 21 कितना, 7 * 21, इसमें कितना डी है, इसमें एक ही डी है। अगर मैं 2D में से एक डी घटा दूं, 2D में से एक डी घटा दूं, तो चौथी संख्या मुझे पता लग जाएगी, इसमें से मैंने घटाया डी आ गया, और 32 में 21 गई आ गया हमारा 11, तो हमारा जो बीच वाली संख्या है, चौथी संख्या है, वो हमारी 11 आ गई भाई। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं। 7 संख्याओं का औसत दे रखा है 18, समझना, 7 संख्याओं का औसत दिया हुआ है 18, ये दे रखा है, ठीक है। और कह रहे हैं इसको हम पहले ट्रेडिशनल मेथड से करते हैं, यानी कि जो हम आज तक करते आ रहे हैं, ठीक है भाई। मैंने बता के अगर 7 संख्या दे रखी है और औसत दे रखा, तो सीधा 18 की 7 में गुणा कर देते हैं हम, यही करते हैं। और कह रहा है कि उनमें से एक संख्या 17 हो, उन्हीं 7 में से एक संख्या 17 है, समझ रहे, उन्हीं 7 में से एक संख्या 17 है, और उन्होंने 17 को उसे बदलकर 31 कर दिया, तो औसत कितना हो जाएगा, औसत कितना हो जाएगा, यानी कि 17 से हमने 31 किया, यानी कि कितना बढ़ा दिया, 31 - 17 बढ़ा दिया, और इन सभी का औसत पूछ रहे, बटे 7 करेंगे। ये तो हमारा ट्रेडिशनल मेथड, लेकिन इसमें हमारा काफी टाइम वेस्ट होगा, तो हमें सिर्फ समझनी है, क्या चीज समझनी है वो देखिए जरा। 7 संख्याओं का औसत 18 है, इन्होंने क्या किया कि संख्या 17 थी, 17 को 31 में बदल दिया, तो कितना फालतू आया, 14 फालतू आया, तो जितना फालतू आया उतना ही एवरेज हम जोड़ दे तो ज्यादा बेटर है ना। तो जब हमारा 14 आया, तो पूछ रहे कि अब कितना हो जाएगा, अब 14 कितनी संख्याओं के औसत पे बढ़ेगा, 7 पे, तो 7 * 2 = 14 किया, तो एवरेज कितना बढ़ा, 2 बढ़ा, तो 18 और 2 कितने हो गए, 20, जो अब हमारा एवरेज होगा वो 20 हो जाएगा भाई। ठीक है, चलिए अगले चलते हैं। क्वेश्चन कह रहा है कि 14 छात्रों के जो प्राप्तांकों का औसत था वो 71 था, 71 एवरेज था, ये 71 एवरेज था, जैसा पिछला क्वेश्चन किया है सेम ऐसे ही करेंगे, सिर्फ एवरेज पे काम करेंगे। देखिए जरा, 14 छात्रों का औसत प्राप्तांक 71 था, लेकिन बाद में पता चला कि 56 की जगह तो इन्होंने ले लिया 42। अब देखिए जरा, 56 की जगह इन्होंने 42 लिया, तो कितना कम लिया, 14 कम लिया, माइनस के 14 है ना, यानी कि 56 की जगह 14 ले लिया, वो 56 की जगह 42 ले लिया, तो कितने और जुड़ने हैं, 14 जुड़ने हैं, अभी और जुड़ने हैं तभी तो एवरेज सही बैठेगा। और वो कह रहा है कि 32 की जगह ले लिया 74, अब ये ज्यादा ले लिया, अब ये घटाने पड़ेंगे, यानी कि 74 - 32 कितना, ये ठीक है, समझ पा रहे हैं ना मेरी बात को। अब देखे जरा, जब 14 छात्र थे, तो 14 का 14 के साथ करा तो कितना, एक हमें जोड़ना था, एक हमारा एवरेज जुड़ गया। अब इन्होंने क्या किया, 32 के 74 ले लिया था,
अब कम करने पड़ेंगे, तो 42/14, 14 * 42 कितना आया, 3, ये ज्यादा थे तो अब कम करने, तो -3 किया, तो 72 में से अगर मैं 3 को घटा दूं तो कितना आया, 69 ही हमारा आंसर है भाई। ठीक है, बहुत इजी तरीके से करेंगे, सिर्फ एवरेज मैंने पकड़ा है और कुछ नहीं करना, सिर्फ एवरेज से ही हम इसको करेंगे भाई। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं। देखिए जरा, कह रहे हैं कि एक कक्षा में 25 छात्रों का जो भार था वो 50 किलोग्राम था। 25 छात्रों का जो भार था, भार औसत वेट वेट था वो कितना था भाई, 50 था। कितना था, 50, ये लिया हमने 50, 50 kg था। उनमें से एक अध्यापक का भार भी शामिल कर लिया, इन्होंने टीचर का वेट और शामिल कर लिया। अब देखे जरा, पहले थे 25 स्टूडेंट, एक टीचर और ऐड हो गया तो हो गए 26, और जब उनके औसत भार जब ऐड कर लिया तो उनके औसत भार में 1 किलोग्राम की वृद्धि हो गई, और ये जो 1 किलोग्राम है सभी 26 के 26 में, एवरेज है तो सभी 26 में बटना है, तो जब हमने देखा तो ये 26 आया, तो हमने सीधा क्या करा, 50 में 26 जोड़ा, तो जो हमारा उस अध्यापक का जो वेट निकल कर आया वो कितना आया, 76 kg, ये रहा भाई। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं। सेम वही क्वेश्चन, एक 24 विद्यार्थी के कक्षा का जो औसत भार है वो 35 किलोग्राम, ये देखिए 24 छात्रों का जो औसत भार है वो 35 किलोग्राम है भाई, और यदि शिक्षक का भार भी शामिल कर लिया जाए, अब 24 जो छात्र थे एक शिक्षक और ऐड हो गया तो कितने हो गए भाई, 25 हो गए, और तो औसत भार 400 ग्राम बढ़ जाता है, औसत भार जो है 400 ग्राम बढ़ गया। अब देखिए जरा, 25 को अगर मैं 400 ग्राम के हिसाब से अगर सभी में बांटो, किलोग्राम की अगर मैं बात करूं तो कितना आया भाई, 10 आ गया है ना, और ये औसत भार बढ़ा तो 10, तो ये कितना, किसका भार आ गया, शिक्षक का भार, तो कितना आ गया, शिक्षक कितने किलोग्राम का है, ये 35 किलोग्राम का शिक्षक है। ठीक है भाई, चलिए आगे चलते हैं। एक विद्यालय में सभी कर्मचारियों का जो औसत वेतन है वो 10,000 है, इसको भी हम एलिगेशन मेथड से करेंगे, और बहुत ही इम्पोर्टेंट है एलिगेशन मेथड। एलिगेशन आपको बताया गया है कि पहले जब कोई दो चीजों को मिलाकर एक नई चीज बनती है तो एलिगेशन कहलाता है, जिसको कहते हैं मिश्रण, मिश्रण कहते हैं। इसी तरीके से विद्यालय में भी कर्मचारी हैं, वे कुछ नॉर्मल कर्मचारी होंगे, कुछ टीचर्स होंगे, उन सभी को मिलाकर तो एक स्टाफ बना, तो उन्हीं स्टाफ की सैलरीज के बारे में बात कर रहे हैं कि विद्यालय के सभी जितने भी कर्मचारी हैं, जो सभी का जो औसत वेतन है वो भाई है 10,000 रुपये, ये ठीक है, कितना है, 10,000 रुपये है, और उनमें 20 शिक्षकों का जो औसत वेतन है वो 12,000, 20 जो है टीचर्स हैं इनका जो औसत वेतन है वो 12,000 रुपये है, ये है सभी कर्मचारियों का, और शिक्षक के इतर कर्मचारी यानी कि जो अदर कर्मचारी हैं, जो शिक्षक नहीं है, उनका जो वेतन है वो है भाई 5,000 रुपये, ये आ गया। ठीक है, अब बस इसमें से इसको सब्सट्रैक्ट करेंगे, 10 में से 5 गए 5 और 12 में से 10 गए 2, इसको जब हमने सोल्व किया तो रेशियो आया 5:2 का, 5:2 का आया, तो टीचर्स कितने हैं भाई, 20 टीचर्स हैं, तो 20 टीचर्स हैं तो कितना मल्टीपल, 4, तो ये भी कितना मल्टीपल होगा, 4 × 4 = 8, तो क्या पूछ रहे हैं, ये पूछ रहे हैं कि जो टीचर्स नहीं है वो कितने हैं, 8 कैंडिडेट ऐसे हैं जो टीचर्स नहीं है, तो समझ पाए एलिगेशन मेथड से कितना आसानी से मैंने क्वेश्चन किया ये। ठीक है भाई, चलिए आगे चलते हैं। किसी परीक्षा में 120 प्रत्याशियों द्वारा प्राप्त अंकों का औसत 35 है, एग्जाम में जितने भी प्रत्याशी जितने भी कैंडिडेट बैठे सभी का जो औसत है वो 35 है, इसको भी एलिगेशन मेथड से करते हैं, और उत्तीर्ण यानी कि जो पास जो स्टूडेंट्स हैं और जो फेल स्टूडेंट्स हैं,
पास वालों का तो 39 एवरेज आएगा और फेल वालों का है 15। सब्ट्रैक्शंस देते हैं, 35 में से 15 गए भाई 20 आया, और 39 में से 35 गए तो यह है 4। तो इसको जो हमने रेशियो निकाला, 4 एकम 4 और 4 पंजे 20, ठीक है। टोटल प्रत्याशी थे 120, तो 5 और 1 कितना बटा 6, और ये कितना है 120, कितना मल्टीपल आया, 20 मल्टीपल आया, तो ये भी 20 मल्टीपल होगा। तो ये 100 आया तो ये भी 20 मल्टीपल होगा, ये 20 आया, तो पास कितने 100 और फेल कितने 20। और क्या पूछ रहे हैं वो, पास पास कितने हैं 100 हैं, ठीक है भाई। चलिए देखिए अगला क्वेश्चन, कह रहे हैं कि एक क्रिकेट खिलाड़ी की 10 पारियों के रनों की जो औसत था वो 32 था। एक क्रिकेट खिलाड़ी की 10 पारियों का जो औसत रन है वो 32 है, ये देखिए। अगली पारी में, यानी कि 11वीं पारी में, है ना, 11वीं पारी में बताना है हमें, अगली पारी में से कितने रन बनाने हो ताकि उसके रनों का जो औसत है वो 4 अधिक हो जाए। कितना अधिक हो जाए, 4 अधिक हो जाए। तो कितने रन बनाए इसने 11वीं पारी में, अगर 4 के हिसाब से बनाए तो कितना हो गया 44, तो टोटल कितने हो गए 76, ये हो गया हमारा आंसर, ठीक है। अगली पारी में उसे 76 रन बनाने होंगे तभी उसका औसत 4 बढ़ पाएगा, ठीक है। और ये मैंने 11 से 4 में मल्टीप्लाई क्यों करी, क्योंकि पहले 10 पारियों में तो उसका औसत 32 था, लेकिन अगली पारी खेलेगा तो 11 पारी हो जाएंगी, और 11 पारी में उसे औसत 4 का और अधिक चाहिए, तो इसलिए मैंने 4 की 11 में मल्टीप्लाई करके दोनों को जोड़ दिया, ये हमारा आंसर बना। चलिए अगला देखते हैं, अगला क्वेश्चन कह रहा है कि किसी क्रिकेट बल्लेबाज का उसके द्वारा खेली गई 11 पारियों के रनों का कुछ औसत था, मान लो कुछ था, और 12वीं पारी में उसने 90 रन बनाए, 12वीं पारी में उसने 90 रन बनाए, इससे उसका रनों का औसत 5 कम हो गया। रनों का औसत कितना कम हो गया, 5 कम हो गया, यानी कि बारी के बाद कितना कम हो गया, 5 कम हो गया। और कितनी पारी के बाद हुआ, 12 के, तो 12 पंजे 60 कम हुआ, इधर आके कितना हो गया, ये जुड़ गया, तो टोटल कितना रन उसका औसत था 150। इसको ट्रेडिशनल मेथड से देखते हैं एक बार, भाई 11वीं पारी का औसत कुछ था और 12वीं पारी में उसने 90 रन बनाए, तो 12वीं पारी की वजह से उसके औसत रन में कितनी कमी आ गई, 5 की कमी आ गई, तो 12x-12 पंजे 60, तो 11x+90, तो x=90+60, तो कितना आ गया भाई ये 90+60, ये आ गया 150, ठीक है भाई। 12वीं पारी के बाद उसका रनों का औसत हो गया 150। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं, देखिए एक क्रिकेट का खिलाड़ी जिसकी गेंदबाजी का औसत 12.4 रन प्रति विकेट है, कितना है 12.4 रन प्रति विकेट, और 26 रनों पर वो 5 विकेट लेता है। अगर वो 26 रनों पे 5 विकेट ले गए, अगर 26 पे 5 की विकेट है तो प्रति ओवर कितना आ गया भाई, 5 पंजे 25, 5 दूनी 10, कितना आ गया 5.2, जिसकी वजह से उसका जो औसत है वो कितना घट गया, 0.4 घट गया, यानी कि पहले 12.4 था, अब हो गया 0.4 घट के सिर्फ हो गया 12। तो देखिए जरा एलिगेशन मेथड से करते हैं, इसमें से इसको सब्सट्रैक्ट किया तो 6.8 आया, इसमें से इसको सब्सट्रैक्ट किया 0.4 आया, तो काटा इसको 17:1 आया हमारा। और वो कह रहा है कि ठीक है, इसमें क्या ले रहा था, वो 5 विकेट ले रहा था भाई, 26 रन पे 5 विकेट ले रहा था, तब इसका ये औसत आया था। अब देखे जरा, एक रिप्रेजेंट कर रहा है किसको, 5 को, कितने मल्टीपल, 5 मल्टीपल, तो ये भी किसको मल्टीपल किया, 5 17 पंजे 85, तो पिछले मैच का औसत कितना था 85 था। वो पूछेगा अगर कि उसने टोटल कितने विकेट लिए, तो 85 और 5 90 हो जाता, ठीक है, लेकिन उसका पिछले मैच का
पूछ रहा है पिछले मैच में उसके द्वारा लिए गए विकेट कितने हैं, तो कितना हो गया भाई, 85 हो गया। ठीक है चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। कह रहे हैं कि आठ पुरुषों की जो औसत आयु है 2 वर्ष बढ़ गई, आठ पुरुषों की औसत आयु 2 वर्ष बढ़ गई यदि उनमें से दो पुरुषों को जिनकी औसत आयु 21 व 23 वर्ष के स्थान पर दो नए पुरुष ले लिए जाते हैं, तब दोनों नए पुरुषों की औसत आयु क्या है। इसके लिए भाई एक बहुत ही इजी फार्मूला है। तो ये जो दो नए पुरुष आए इनकी औसत आयु का जो फार्मूला है वो है x+y/2, यानी कि जो छोड़कर गए है ना, ये प्लस माइनस a(t/2), ए यानी कि जो टोटल कैंडिडेट्स में से गए, जो टोटल कैंडिडेट्स में से गए, और टी यानी कि मंथ, टी यानी कि मंथ, और प्लस अगर प्लस हो अगर वृद्धि हुई ठीक है भाई, और माइनस अगर कमी हुई। चलिए इस फॉर्मूले को इम्प्लीमेंट करते हैं इस क्वेश्चन में। दो बंदे छोड़ के गए भाई 21 और 23 वाले, ये देखिए एक 21 वाला गया है, एक 23 वाला गया है ये, और 2 वर्ष बढ़ जा रही है तो प्लस का साइन लगाएंगे, ये हमने लगाया प्लस का साइन, ठीक है ये हमने प्लस का साइन लगाया। और टोटल कितने पुरुष हैं, 8 हैं, गुणा ये जो 2 साल है इसको मंथ में चेंज कर लेंगे, किस में चेंज कर लेंगे, या तो मंथ में चेंज कर लो या इसको 2 का 2 ही रहने दो। ठीक है अब आप देख पा रहे हैं इस 2 से 2 कट गया भाई, ये 8 आया और ये आया तुम्हारा 44/2, इससे हमने इसको डिवाइड किया ये आ गया 22, और ये 8 और 22 और 8 कितने हो गए 30 साल, और ये 30 साल हमारी उन दोनों पुरुषों की एज आ गई जो नए आए हैं। ठीक है चलिए अगला क्वेश्चन। क्वेश्चन कह रहे हैं एक पति पत्नी की औसत आयु उनके विवाह के समय 23 वर्ष थी, पति पत्नी यानी कि दो कैंडिडेट, और विवाह के समय उनकी 23 साल थी, तो दो कैंडिडेट है तो 23 दूनी कितना हो गया 46, और 5 साल बाद यानी कि 5 साल पहले शादी और 5 साल बाद यानी कि अगर मैं उनको वर्तमान में लेकर आता हूं तो कितना, 5 पत्नी के जुड़ेंगे और 5 उसके पति के जुड़ेंगे तो कितने और जुड़ेंगे भाई, 10 और जुड़ गए। 5 साल बाद उनके 1 साल का बच्चा भी, अब 1 साल का बच्चा भी ऐड कर लो भाई, तो टोटल कितना हो गया 57 हो गया। परिवार की औसत आयु पूछ रहे हैं, टोटल हो गया 57, परिवार के कैंडिडेट हैं 3, तो 3 एकम 3 और 3 एम 27, तो कितनी औसत आयु आ गई भाई 19 साल। ठीक है चलिए आगे चलते हैं। क्वेश्चन कह रहा है कि किसी परिवार के 6 पुत्रों का औसत आयु 8 वर्ष थी, 6 पुत्र औसत आयु 8, तो 8 6 48, ये देखिए पुत्रों और उनके माता पिताओं को मिलाकर उनकी औसत आयु होगी 22, अब माता पिता 2 और 6 बच्चे तो कितने हो गए 6 2 8, और 8 की 22 में गुणा करनी है तो कितना हो गया 176। और अब ये कह रहे हैं कि यदि माता पिता और जो पिता है माँ से 8 साल बड़ा है, अगर माँ एक्स ईयर की है तो बाप कितना, x+8 का हुआ वही, और ये बच्चे हो गए 48 वे माता पिता है ना, और प्लस 6 बच्चे इनके टोटल आयु का योग ये, तो x और x2x हो गया, ये हो गया आपका 56, ये 176 हो गया, 56 को इधर ले आए तो 120 ये हुआ भाई, ये 2x हो गया, x बराबर आ गया 60, यानी कि माँ 60 साल की तो बाप कितने साल का 68 साल का, लेकिन माँ की आयु पूछ रहे हैं तो जब माँ की आयु उन्होंने पूछी तो माँ की आयु कितनी आई 60 साल आई भाई। ठीक है चलिए
आगे कह रहे हैं किसी स्कूल के 10 शिक्षकों में से एक शिक्षक रिटायर हो गया, समझ पा रहे भाई? 10 शिक्षकों में से एक शिक्षक रिटायर हो जाता है और उसके स्थान पर 10 थे, 10 में से 1 चला गया, मान लो ये चला गया, ये उसके स्थान पर 25 साल का एक शिक्षक आया, गया तो माइनस किया, आया तो प्लस किया, परिणाम स्वरूप रहे तो 10 ही हैं, तो 10 ही परिणाम स्वरूप शिक्षकों की आयु 3 साल कम हो जाती है, कम हुई 3 साल, कितनों पर हुई? 10 के 10 पर हुई, तो -30 ये हो गया, और ये प्लस का ये भी इधर जाके माइनस का हो गया, तो -y बराबर हो गया 55, तो y बराबर हो गया 55, तो जो जाने वाला टीचर था वो कितनी एज का था भाई? 55 साल का वो बंदा था, ठीक है। चलिए आगे चलते हैं। एक पति और पत्नी जिस जिनकी 4 साल पहले शादी हुई थी और शादी के समय औसत आयु 25 थी, औसत आयु 25 थी पति पत्नी की, तो 25 दूनी कितना? 50। और 4 साल पहले हुई थी और वर्तमान में अगर मैं लाऊंगा तो 4 पत्नी के जुड़ेंगे और 4 पति के जुड़ेंगे, तो कितने जोड़ दिए? 8। कितना हो गया अब? 58। अब कह रहे हैं आज परिवार जिसमें पति भी है पत्नी भी है और एक इसी अवधि में बच्चा भी हुआ है, तो कितने कैंडिडेट हो गए भाई? 3 हो गए, और इनकी जो औसत आयु वो 20 है, तो कितनी होगी? 60। ये तो पति पत्नी की है, बच्चे समेत है, तो बच्चा कितने साल का हो गया? 2 साल का बच्चा हो गया, 2 साल उसके बच्चे की एज आ गई भाई, ठीक है। चलिए अब क्वेश्चन है 27, कह रहे कि एक ही जो शादी है वो 8 साल पहले हुई थी, एक ही शादी 8 साल पहले हुई थी, यानी कि a-8 ये हो गई, और आज उसकी वर्तमान आयु कितनी? a। तो कह रहा है कि a की वर्तमान आयु शादी के समय की आयु का इतने गुना है, यानी कि ये जो वर्तमान आयु है वो शादी के समय की आयु का 4 × 4 = 5/4 गुना है। ये तो जिससे सोल्व कर रहे तो 5 × 48 ये बराबर कितने साल का आ गया? 40 साल का। तो ए के पुत्र की आयु, ए के पुत्र की आयु उसकी वर्तमान आयु का 1/10 है, अगर मैं उसके सन की बात करूं तो उसकी आयु का कितना है? 10 है, तो 40 बटे अगर 10 में अगर बात कर तो कितने साल का हो गया उसका बेटा? 4 साल का उसका बेटा हो गया, ठीक है भाई। चलिए 3 साल पहले 5 सदस्यों के एक परिवार की औसत आयु 17 वर्ष थी, समझ पा रहे? 5 सदस्यों के परिवार की औसत आयु 17, और 17 × 5 = 85, 17 × 5 = 85, और 3 साल पहले हुई थी, है ना? 3 साल पहले थी इतनी, अगर मैं वर्तमान में लाऊंगा तो 3 3 के हिसाब से 5 सदस्यों के कितने जुड़ गए? 15 ये जुड़ गए, वर्तमान में कितने हो गए ये? 100। एक बच्चे के पैदा हो जाने से, समझ पा रहे हैं? एक बच्चे के पैदा हो जाने से अब बच्चे कितने हो गए? बच्चों को मिला के पहले 5 सदस्य थे, एक बच्चा और हो गया तो 6 हो गए, औसत आयु वो ही है, कितनी है? 17 ही है। तो देखिए 7 × 6 = 42 का 2 × 4 = 7 = 10, तो बच्चे की औसत आयु, बच्चे की जो वर्तमान आयु वो कितनी? 2 साल, ठीक है भाई। चलिए आगे चलते हैं। 5 साल पहले पी और क्यू की औसत आयु कितनी थी? 15 वर्ष थी। पी और क्यू की औसत आयु 15, यानी कि 15 × 2 = 30, और 5 साल पहले की बात कर रहे हैं और वर्तमान में लाएंगे, 5 पी के जुड़े 5 क्यू के जुड़े, तो 10 और जोड़े तो कितना हो गया? 40। अब पी क्यू तथा आर की औसत आयु 20 है, यानी कि कितने कैंडिडेट हो गए? अब आर भी जुड़ गया तो कितने हो गए? 3, और 20 दिया कितना हो गया? 60। इसमें तो सिर्फ पी और क्यू ही थे, इसमें पी भी है क्यू भी है और आर भी है, ये 60 हो गया,
ठीक है, तो अगर मैं इसमें से इसको सब्सट्रैक्ट कर दूं तो आर बराबर कितने का आ गया, 20 का। 10 साल बाद आर कितने का होगा, 30 साल का होगा, 30 साल हमारा ये आंसर आ गया भाई। ठीक है चलिए आगे चलते हैं। एक्स प्लस वन अपॉन एक्स का जो औसत है वो एम है, यानी कि दो संख्या है, एक एक्स है और एक एक्स वन अपॉन एक्स है, इन दोनों का औसत है एम। दो है तो दो की गुणा कर दी, 2m आ गया। अब वो इसका औसत पूछ रहे हैं, अब यानी कि एक्स स्क्वायर भी चाहिए, वन अपॉन एक्स स्क्वायर भी चाहिए, और वो कब आ सकता है अगर मैं दोनों तरफ का स्क्वायर कर दूं। ये मैंने दोनों तरफ का स्क्वायर कर दिया, तो ए स्क्वायर प्लस वन अपॉन बी बी स्क्वायर हो गया 4m² माइनस 2, तो ये हो गया एक्स स्क्वायर प्लस वन अपॉन एक्स स्क्वायर। लेकिन वो क्या पूछ रहे हैं, औसत पूछ रहे हैं। अगर जब औसत पूछ रहे हैं तो दो से इधर भाग करना पड़ेगा, दो से इधर भाग करना पड़ेगा, जब ऊपर से दो कॉमन लिया तो 2m² माइनस 1, ये हमारा आंसर आ गया भाई।